मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मोहनिया घाटी में बने सड़क सुरंग के खुलने का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दो दिन बाद यानी 10 दिसंबर को देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी टनल के लोकार्पण के लिए रीवा आ रहे हैं, जिसके बाद टनल के खुलने के बाद लोगों का इंतजार पूरा होगा और कम समय में रीवा और सीधी की दूरी तय हो सकेगी। जिले के गुड़ स्थित बदवार के मोहनिया घाटी को बीच से काटकर आवागमन को सुगम बनाने के लिए दो सुरंग बनाए गए, जिसमें 6 लेन सड़क का निर्माण कराया गया। आवागमन के लिए दोनों सुरंग 3-3 लेन की बनाई गई हैं। इस टनल को मोहनिया पहाड़ के घुमावदार 10 किलोमीटर की सड़क को कम करने के लिए तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 स्थित मोहनिया घाटी सड़क में सुरंग के प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है। ये टनल एमपी की सबसे लंबी 6 लेन सड़क की पहाड़ी सुरंग होगी, जिसमें निर्माण कार्य पूरा होने के बाद झांसी से रांची तक जाने वाले वाहन चालक को राहत मिलेगी। वहीं लोगों को इससे मोहनिया घाटी के घुमावदार मोड़ और हादसों से भी निजात मिल जाएगी। इसके अलावा टनल के शुरू हो जाने से रीवा सीधी की दूरी भी 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। टनल का लोकार्पण कार्यक्रम मंत्री नितिन गडकरी समेत प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज के हाथों होगा। टनल का निर्माण कार्य 3 महीने पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन फिनिशिंग और सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित छोटे कार्य बाकी थे, जिसको पूरा किया गया और अब ये टनल पूरी तरह बनकर तैयार है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। मुख्यमंत्री महोदय के आने का कार्यक्रम है। 10 तारीख को ये लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चे से रीवा सीधी के बीच में 2.3 किलोमीटर का ये टनल बनाया गया है, जिसमें कि 25-30 किलोमीटर की दूरी को कम किया है, समय को कम किया है। जहाँ पहले हमको सीधी जाने के लिए 2.5-2 घंटे का समय लगता था, अब केवल हम लोग 1.25-1.5 घंटे में बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात दोनों जिलों के लिए है और इसी के लिए परिवहन मंत्री जी का आगमन हो रहा है, आदरणीय नितिन गडकरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। उसी की तैयारी की समीक्षा कमिश्नर महोदय, आईजी महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीधी जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब के द्वारा की गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने भ्रमण किया है। दोनों जगहों पर कार्यक्रम होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय एसपी का और बाकी पूरी कम्प्लीट है पूरा। हाँ जी, टनल कम्प्लीट है। टनल आम जनता के लिए अभी चालू हुई है, उसको सार्वजनिक तौर पर बेहतर ढंग से जनता के लिए जो लोकार्पण कार्यक्रम वो कार्यक्रम होगा और फिर इसके पश्चात अधिकृत रूप से टनल का शुभारंभ होगा।